हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताई थी आपको ना कि दीदी का ओटी में जाने वाली है, तो सो फाइनली अब वो टाइम आ गया और दीदी अब ओटी में जाएगी। सो मैं पहले आपको बताती हूँ, सबसे पूछूँगी किसको कैसा लग रहा है, उसके बाद हम आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। आज जो भी होगा बेबी के आने तक का सारा वीडियो आपको दिखाएंगे। बेबी गर्ल जो भी होगा, अभी अंदर चलते हैं, सबसे पूछते हैं सबको कैसे फील हो रहा है, और उसके बाद बेबी की आने तक का आपको वीडियो दिखाऊंगी। लेट्स सी। सबसे पहले हम बेबी की दादी से पूछते हैं, चलिए पूछते हैं दादी को कैसा लग रहा है। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है? बोलिए, आप तो हंसी जा रही है। क्या होगा? अच्छा ठीक है, बताइए आपको क्या लग रहा है कि बेबी गर्ल होगा कि बॉय होगा? क्या लगता है? आपको तो लग रहा है कि लड़का होगा। चलिए देखते हैं लड़का। दादी को भी लड़के से लग। हाँ, इनसे पूछना बहुत जरूरी है। चलिए बताइए आपको कैसा लग रहा है? मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, अब अगले आधे घंटे में तो पता चल ही जाएगा। देखते हैं कुछ भी हो, लेकिन खुशी तो बहुत होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। देखते हैं, फिर पार्टी होगा। जरूर जरूर पार्टी तो होगा। चलिए अब सबसे इमोशनल मौसी से पूछते हैं। बताओ तुमको कैसा फील होगा? तुम तो पहले रो दो बताने से पहले। क्यों रोएंगे? अभी से इमोशनल हो गई क्या? अभी तो ओटी में गई नहीं। सब कुछ अच्छा होगा, वैसे भी महादेव की नगरी में आया तो बेस्ट ही होगा, और एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा ही है। नो मैटर बॉय हो या गर्ल हो। आइए आइए, नाना नाना नाना, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बेबी गर्ल होगी कि बेबी बॉय? एनी गेसेस? होगा सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा। और अब बताइए मम्मी जी, कैसा लग रहा है आपको? कितना एक्साइटेड, खाए नहीं हो तो बोलोगे नहीं क्या? बोलो, पार्टी दोगे ना? ग्रैंड वाला, ग्रैंड वाला। यहाँ होगी वहाँ। अच्छा तुमको क्या लग रहा है, बेबी बॉय होगा कि गर्ल होगी? मेरे तो जो दोनों भी मेरी जाने। कोई भी हो। तेज बोलो थोड़ा, आवाज तुम्हारा ड्रिप चढ़ रहा है, लेकिन ये बंद है फिलहाल में ड्रिप। तेज बोलो थोड़ा सा, कुछ खाई नहीं हो तो इसलिए बोल नहीं पा रही हो। पिए भी नहीं हो? नहीं सुनिए अंकल। हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ आई हो बस एक ही काम है कि बाबा का मत्था टेको, बाबा का नाम लो। ये नगरी काशी की है, प्राचीन नगरी है, इससे बढ़िया कुछ चीज नहीं, अच्छी जगह है बस। अब बाबा का माथा टेक के सब फिट है, कल का माथा टेक आए। और इसके बाद माथा टेक लेना है फिर दोस्त होकर के, बस यही हम लोगों की मनोकामना, यही हम लोगों का। हाँ अंकल, चलिए अब बताइए आपको कैसा फील हो रहा है, बताइए। हाँ बचपन वाले अंकल अब नाना बनने वाले। बोलिए बोलिए, क्या बोले? कैसा लग रहा है अब तो? अब नाना बनने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी बेबी को भी खिलाएंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है ना पंकज अंकल के लिए। अंकल को खिलाएंगे, अब दीदी के आने पर बेबी को भी आप खिलाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अंकल तो जल्दी फीलिंग अच्छी बताएं। क्या डॉक्टर मैडम? 7 बजे अंकल। मैं आपको बताई थी ना, मेरी दीदी के दो बच्चे हैं, बहुत क्यूट से हैं, बहुत चंचल हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं। देखिए फाइनली वो दोनों आ गए, मैं गई नहीं, अब वही लोग आ गए। चलो उनसे मिलाते हैं आपको। देखिए आते ही कितने संस्कारी हैं, पैर छू रहे हैं, अपने मम्मी पापा का कहना इतना मानते हैं। और ये देखिए बड़ा वाला अनमोल अभी आता है, फिर उससे अभी हम मिलाते हैं आपको। बहुत बदमाश हैं सब, भाग जाएंगे सब, सब दौड़ रहे हैं सब। हम लोग मिलते हैं अपने मनीष जीजा से, जो सबसे बड़े जीजा हैं। चलिए बताइए आपको कैसा फील हो रहा है? हम बनारसी बाबू। ये जो अपनी बड़ी साली ऋषु को लेकर प्रिया नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए आए हुए हैं। बाबा विश्वनाथ हम संकट मोचन का इसे आशीर्वाद मिले, ठीक है? ऑल द बेस्ट ऋषु। और ये देखिए ये शांत रहती है, बोले कि मुझे मत देना। लेकिन अपनी फीलिंग बताइए, कैसा आपको लग रहा है, बेबी गर्ल होगा कि बॉय होगा? हाँ बताइए फिर, बेबी बॉय होगा?
मुझे पता था यही आपके दिमाग में होगा। और ये है सबसे बड़ी दीदी, ब्यूटी दीदी। हाँ, घर का सारा काम यही करती हैं, पूरा बाहर से लेके अंदर तक का। बहुत सुंदर आ रही ब्यूटी। हाँ, बहुत सुंदर है। और ये देखिए बड़े पापा यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे बेबी के लिए बेबी का कपड़ा दिखाया जा रहा है, कौन से पहनेगी बेबी, सब डिसाइड कर रहे हैं। देखिए पापा बेबी के अंगड़ाई ले रहे हैं। सब रेडी हो रहा है क्योंकि दीदी अभी कुछ देर बाद ओटी में रहेगी। पूछा जा रहा है कौन सा ले जाए बेबी के लिए। आइए देखिए, तो बेबी की बात किए थे ना, यही दोनों ने सब क्यूट से परेशान करके रख देते हैं एकदम। नहीं, बहुत क्यूट है। फाइनली अब रेडी हो रही दीदी ओटी में जाने के लिए, सब खड़ा हो गया। अब स्ट्रेचर आ रहा है, बेबी स्ट्रेचर से जाए या ना जाए देखिए। और ये देखिए बाहर सब लोग बैठ के वेट कर रहे, सारे अंकल लोग हैं। और ये हमारे बड़े पापा हैं जो चेयर पर बैठे हैं। ये देखिए बड़े पापा को अभी कैसे स्माइल करेंगे बड़े पापा। डॉक्टर अंकल आ रहे हैं बाहर, अब बता रहे बेबी कैसी है। इसको बहुत ये देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है, इसमें दीदी गई और यहाँ पर सब लोग वेट कर रहा है बेबी का आने का सब। और ये देखिए बेबी के पापा सुपर एक्साइटेड। यहाँ देखिए लड़ाई हो रहा है, दीदी को पहले नहीं पता चला था। फाइनली हम लोग की प्रिंसेस का फर्स्ट लुक, देखिए कितनी क्यूट है ना। फाइनली हम लोग की प्रिंसेस अब आ रही है, देखिए अपनी दादी गोदी में कितनी क्यूट लग रही है ना। ये देखिए अब हम लोग की प्रिंसेस रेडी हो रही है, सिस्टर इसको रेडी कर रही है। हम लोग की प्रिंसेस को अब रेडी हो जाएगी तो फिर सब लोग कैरी करेगा। कितनी क्यूट लग रही है ना, छोटी सी बेबी है कैसे। फाइनली अब रेडी हो ही गई है, हम लोग की प्रिंसेस हो गई रेडी, कितनी क्यूट लग रही है। अब सबको मिलेगी।